हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूरिक एसिड को बॉडी के अंदर कम करने के लिए, यानी कि यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करूंगी आपके साथ जो कि काफी इफेक्टिव रहेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। गाइस यूरिक एसिड का बॉडी के अंदर होना जरूरी होता है। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती कि यूरिक एसिड जो है ना, सोचते कि यूरिक एसिड होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर होना जरूरी होता है, बट इसका एक लेवल होता है। कितने लेवल तक ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और जब ये बढ़ने लगता है तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आज बड़ा अच्छा सा मस्त सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। ज्यादातर यूरिक एसिड क्यों होता है, जब बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तब यूरिक एसिड होने लगता है। तो चाहे आप किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो आप उसकी मात्रा को थोड़ा सा डाइट से कम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिक एसिड हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जितनी भी दालें हैं, प्रोटीन है, चीज, पनीर वगैरह, ये जो जितनी भी चीजें हैं, सोया जैसे, तो इन चीजों को कम मात्रा में लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इनको बंद कर दो, बंद नहीं करना, खाना है बट कम क्वांटिटी में खाना है। तो इससे क्या होगा, बॉडी को प्रोटीन भी मिलेगा लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा होगी तो हमें यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा हो जाएगा। तो गाइज ये इंफॉर्मेशन जो है ना आपको, ये नॉलेज जो है ना आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है बट इसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। तो चलिए ये होगी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ एक फॉर्मूले के बारे में जिसको कैसे बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उसको कैसे फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ में छोटू सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है और पैन में आपने जो है ना पानी डालना है कम से कम 2 गिलास के करीब। गाइस अब इसमें जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमने ऐड करना है वो है मेथी, जो कि हरी मेथी आजकल विंटर में बहुत इजीली मिल जाती है। और साथ में आपने लेना है हरा धनिया, हरा धनिया भी आजकल ईजिली मिल जाता है। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोनों को अच्छे से कट करके, अच्छे से वॉश करके आपने जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल में इसको लाना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से कट कर ली हैं और जो गैस पर पैन रखा था मैंने पानी डालकर उसके अंदर आपने जो है ना इस कटी हुई मेथी और धनिए की पत्तियों को डाल देना है। मेथी जो है ये आपकी बॉडी से पेन्स को दूर करती है। यूरिक एसिड की वजह से जो पेन रहता है घुटनों में, जॉइंट्स में, वो पेन आपका दूर हो जाता है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ जिंजर यानी कि अदरक। अदरक जो है ये एक पेन किलर का काम करता है। आपने छोटे से टुकड़े को छील कर उसके छोटे छोटे पीस करके आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं अजवाइन का 1/2 चम्मच। अजवाइन जो है पेन किलर का काम करता है गाइस। अजवाइन जो है आपकी बॉडी से यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा। ओवरऑल जो गैस की प्रॉब्लम भी अगर आपको हो जाती है तो उसको भी कम करने में जो अजवाइन है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इन सारी चीज़ों को स्पून की हेल्प से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है गाइस। ये जो फॉर्मूला रेडी होगा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस करने के लिए। अब आपने गैस को जो है ना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं सूखे हुए करी लीव्स, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश वाले हैं तो फ्रेश भी आप इसमें डाल सकते हो, अगर ड्राई फॉर्म में है तो ड्राई फॉर्म में भी इसको डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ते डाल रही हूँ। करी पत्ते का क्या काम होता है गाइस, ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करेगा, बॉडी को फिट रखेगा, ओवरऑल फैट को भी मेल्ट करेगा। ये सारे ही इंग्रेडिएंट यहाँ पर ऐसे लिए हैं जो कि ओवरऑल बॉडी से जो जॉइंट पेन होती है ना उस पेन को कम करते हुए आपके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में लाएंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है गाइस और अच्छे से, मेरे ख्याल से कम बिना जो है आपको 5 मिनट तक इसको पकाना ही है। 5 मिनट तक जब ये अच्छे से पक जाएगा तब आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो गया है और पानी भी रिड्यूस हो गया है। तो फिर आपने जो है इसको अच्छे से ढककर रख देना है, गैस को बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए। इसी तरह से जब ये पड़ा रहेगा तो इसका पूरा एक्सट्रैक्ट जो है पानी के अंदर सारी चीज़ों का आ जाएगा। उसके बाद आपने एक जार में इसको छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है जैसा कि मैं स्ट्रेन कर रही हूँ गाइस।
कितना खूबसूरत कलर आया है। सारे जितने भी इंग्रेडिएंट थे उनका सारा जो अर्ग था, जो एक्सट्रैक्ट था, इस पानी में आ गया है और ये यूरिक एसिड की एक बहुत ही कारगर मेडिसिन हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप ड्रिंक कह सकते हो। इस ड्रिंक को आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस जार में तो मैंने इस ड्रिंक को डाल लिया है, लेकिन इतनी सारी मात्रा आपने एक ही साथ कंज्यूम नहीं करनी है। आपने इसको 2 टाइम्स में लेना है, यानी कि एक बार मॉर्निंग में सुबह फ्रेश होने के बाद आराम से बैठ कर सिप सिप करके इसको पीना है, और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है, जब आप डिनर करते हो, डिनर के 2 घंटे के बाद आपने इसको पीना है और सिप सिप करके पीजिएगा। लूक वॉर्म ही होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको दिन में एक बार बनाकर ही स्टोर करके नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं, या फिर आप इसको दोबारा से फ्रेश बनाकर रात को पी सकते हैं। तो दोनों तरीके जो है ना आपके लिए जो है ना नॉर्मल हैं, जैसे आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, आप कर सकते हो। इस फॉर्मूले को लगातार फॉलो करने से केवल 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद सोचोगे तो ये आपकी यूरिक एसिड की कैसे छुट्टी हो गई, कहां गया, अब तो कोई जॉइंट पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो तो आप जरूर जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। मिलूंगी आपको फिर से अच्छे से अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।